यहाँ पर, लेकिन उसके साथ जो वक्त है उसमें क्या है, अपना जो नॉमिनेशन फाइल कर पाते हैं और तैयारियां क्या उतनी है यहाँ पर, वो भी हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कोटा से हिमांशु भी हैं, अरुणांशु भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जोधपुर से, और साथ ही साथ भरत भी हमारे साथ जयपुर से ही। मैं कोटा का सबसे पहले रुख यहाँ पर करता हूँ। हिमांशु, कोटा में क्या स्थितियां आज आखिरी दिन को लेकर, कितने प्रत्याशी जो है नामांकन के लिए पहुंचेंगे आज? सुमित, देखिए कोटा में दो निगम में चुनाव है, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। 150 जो वार्ड हैं उनको लेकर के चुनाव होना है, तो यानी कि बीजेपी और कांग्रेस 300 जो उम्मीदवार हैं वो तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों से पहुंचने हैं, लेकिन इसके बीच में जो गहमा गहमी है, जो क्योंकि टिकट के लिए लंबी कतार बीजेपी के अंदर भी थी, कांग्रेस के अंदर भी थी, तो ऐसे में वो उम्मीदवार जिनको जो टिकट की लाइन में थे, जिन्हें टिकट नहीं मिले, वो बागी बनकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आज नॉमिनेशन फाइल होने हैं। आज तक रिटर्निंग जो अधिकारी हैं उन्होंने नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स का इंतज़ार किया, लेकिन आज पूरे दिन जो गहमा गहमी है, वो भीड़ है, वो नॉमिनेशन के लिए रहने वाली है। कोटा में 15 केंद्र हैं जहां पर नॉमिनेशन हो रहे हैं। फिलहाल कोटा जिला कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीर आप देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर अमानत राशि जमा कराने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो पहुँचने लगे हैं। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर होने लगी है। एहतियातन जब आज इतने बड़े पैमाने पर नॉमिनेशन फाइल होने हैं, तो ऐसे में जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो भी पूरी तरह से मुकम्मल किए हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का जो अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं, बड़े पैमाने पर जो जाप्ता है वो तैनात किया हुआ है, और कैंडिडेट्स के पहुँचने का जो सिलसिला है वो भी लगभग जो कोटा के अलग अलग केंद्र है वहाँ पर शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये कोटा जिला कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं जहाँ पर फिलहाल जो बीजेपी की तरफ से पहले जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 7 से ज्ञानेंद्र, यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुँचे हैं। यानी कि अब धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो कोटा के नॉमिनेशन जो सेंटर्स हैं वहाँ पर शुरू हो गई है, कैंडिडेट्स का पहुँचना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि 11 बजे बाद में जो बड़ी भीड़ है वो हर नॉमिनेशन सेंटर पर नज़र आएगी, और इसको लेकर के बड़े पैमाने पर जो तैयारियाँ हैं वो भी की गई हैं। आपको एक दिलचस्प बात और यहाँ पर बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से 150 में से 148 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसके साथ में पिछले बोर्ड के 44 पार्षदों के जो टिकट हैं वो काट दिए गए हैं। यानी कि ज़्यादातर कोशिश की गई है कि जो फ्रेश नए जो चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए, और यही जो कोशिश है वो फिलहाल जो जारी की गई लिस्ट है उसके अंदर देखने को मिली है। कोशिश बड़े पैमाने पर यह भी की गई है कि कोई कंट्रोवर्सी ना रहे। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि एक तस्वीर और दिखाएं कि यहाँ पर ये तस्वीर ये है कि नॉमिनेशन सेंटर पर आज भीड़ पहुँचने वाली है, तो इस नॉमिनेशन सेंटर को सैनिटाइज करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। देखेंगे आप कि कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुँचेंगे, और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि पूरा जो नॉमिनेशन सेंटर है अलग अलग जहाँ पर भी, यानी सैनिटाइजेशन जो है वो पूरा बेहतर तरीके से यहाँ पर हो, क्योंकि कोरोना काल है, हाइपोक्लोराइड जो सोल्यूशन है उसके जरिए यहाँ पर सैनिटेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अपने आप में ही पूरा स्थितियाँ जो है पूरी तरीके से अलग हैं। मैं